दोस्तों YouTube अब आपके चैनल को 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट करने के बाद भी मोनेटाइज नहीं करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, YouTube ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर दिया है, जिसको अब आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना आपका नया चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में YouTube की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जो अपडेट किए गए उसके बारे में डिटेल्स में बात किया था, जिसमें कि एक अपडेट है दोस्तों कि अगर आपके चैनल पर सारी चीज़ें सही हैं और आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो भी आपका चैनल रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने अपने चैनल का अबाउट सेक्शन सही से नहीं लिखा है। तो दोस्तों, चैनल का अबाउट सेक्शन भी अब आपका रिव्यू में किया जाएगा, उसको भी चेक किया जाएगा कि जो आपके चैनल का अबाउट सेक्शन है वो सही से आपने अपने चैनल के बारे में लिखा है कि नहीं। तो आपने अगर नहीं लिखा है तो आज ही चैनल का अबाउट सेक्शन सही से लिख दीजिएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन को कैसे लिखा जाता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वरना आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं देव सहानी स्वागत करता हूं सभी का टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ यार आपका काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे और आपका यूट्यूब चैनल और गूगल एडसेंस दोनों सेफ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए और बहुत ही ध्यान समझिए, दोस्तों YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है, ताकि जो मिसयूज या मिसगाइड किया जा रहा है पॉलिसी को उसको रोका जा सके। ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त इस समय मिसयूज चल रहा था, मिसगाइड किया जा रहा था, जो कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम या 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। दोस्तों YouTube चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनिक तरीके से जो क्रिएटर हैं वो अपना व्यूज सब्सक्राइबर कंप्लीट कर काम करें। लेकिन दोस्तों इसको भी लोग जो है ब्रेक करने लगे थे, लोग फेक तरीके से अपने चैनल पर इंगेजमेंट ला रहे थे, फेक सब्सक्राइबर, फेक व्यूज, फेक वॉच टाइम कंप्लीट कर चैनल को मोनेटाइज कर रहे थे और इससे चैनल मोनेटाइज भी हो जा रहा था। उसके बाद दोस्तों वो लोग चैनल पर काम भी नहीं कर रहे थे और ये एक बिजनेस के तरीके से बढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों अब YouTube ने इसको लगाम लगाने के लिए एक नई पॉलिसी अपडेट कर दिया है, जहां पर अब अगर आप अपने चैनल को चालाकी दिखाते हैं, YouTube की पॉलिसी को ब्रेक करते हैं, जो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फेक तरीके से इंगेजमेंट लाकर चैनल पर कंप्लीट करते हैं या फेक सब्सक्राइबर, फेक वॉच टाइम, फेक व्यूज को बाई करते हैं, तो अब ये सब काम नहीं करने वाला है। और इसके पीछे जो बिजनेस चल रहा था, जो बहुत सारे यूट्यूबर जो है लोगों से पैसे लेकर उनका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, व्यूज बढ़ा रहे थे, चैनल को मोनेटाइज कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है खुद की वीडियो को दिन भर जो है 3-4 फोन में चलाकर जो है वॉच टाइम, व्यूज कंप्लीट कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें बंद होने वाली है। अब दोस्तों यूट्यूब पर ऑर्गेनिक तरीके से जो व्यूज हैं, जो वॉच टाइम है या जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं के चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा। और ये पॉलिसी मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नए चैनल का YT स्टूडियो का अर्न पेज ओपन किया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, चैनल को हाफ मोनेटाइज करने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर और जो वीडियो है वो लास्ट 90 डेज में 3 वीडियो अपलोड होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों 3000 वॉच टाइम, अगर लॉन्ग चैनल है तो 3000 वॉच टाइम और शॉर्ट्स का चैनल है तो 30 लाख आपको शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट करना है चैनल को हाफ मोनेटाइज करने के लिए। और नीचे उसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर फुल मोनेटाइजेशन के लिए दोस्तों आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम और 100 लाख व्यूज जो है शॉर्ट्स का कंप्लीट करना है, 10 मिलियन व्यूज, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें तो सभी को पता थी, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं शोइंग डेटा एज ऑफ 10 मई 2024। दोस्तों आज की डेट में आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं डेट है यहाँ पर 13 मई डेट है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो डेटा शो कर रहा है वो 8 मई 2024 का, मतलब कि एक वीक पीछे का डेटा यहाँ पर हमको दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है दोस्तों? ऐसा YouTube की एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट की वजह से हुआ है। और यहाँ पर अगर आप लर्न मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्लियर जो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि जो आपका डेटा है वो क्यों ऐसा शो हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाई कुड दिस टेक अ वीक टू अपडेट, यहाँ पर 1 वीक क्यों लिया जाएगा आपके डेटा को अपडेट करने के लिए। तो वी केयरफुली वैलिडेट ईच चैनल्स इंगेजमेंट मैट्रिक्स बिफोर दे आर डिस्प्ले हियर,
दिस प्रोसेस में टेक सेवरल डेज टू कंप्लीट एंड मे वेरी फ्रॉम व्हाट यू सी एल्सवेयर सच एज इन यूट्यूब एनालिटिक्स। दोस्तों यहाँ पर जो भी YouTube का डेटा रहेगा उसको अपडेट करने के लिए ये अब बारीकी से आपके एंगेजमेंट को चेक करेंगे, मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि आपने कहीं अपने चैनल पर फेक सब्सक्राइबर या पेड सब्सक्राइबर, फेक व्यूज, पेड व्यूज, या जो है आपने इस तरीके से फेक इंगेजमेंट लाकर चैनल को मोनेटाइज तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों अब यूट्यूब जो है 1 वीक का कम से कम समय लेगा, आपके डेटा को यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। अगर आपके चैनल पर दोस्तों फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर, फेक वॉच टाइम लिया गया है तो उसको YouTube यहां से घटा देगा और आपका जो ऑर्गेनिक व्यूज होगा वही आपको शो किया जाएगा। तो दोस्तों अब नए चैनल को मोनेटाइज करना है तो सही तरीके से काम कीजिए, रियल तरीके से व्यूज, वॉच टाइम लाइए, सब्सक्राइबर लाइए और चैनल को मोनेटाइज कर लीजिए। वरना अब जो है आप पेड बाय करेंगे, फेक तरीके से किसी एप्लीकेशन पर जो है पैसा खर्च कर अपना व्यूज वॉच टाइम बढ़ाएंगे तो चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाला है। और इसका जो बिजनेस लोग कर रहे थे किसी से पैसा लेकर उसका वॉच टाइम, सब्सक्राइबर या जो है व्यूज बढ़ा देते थे, अब बढ़ा भी देंगे तो वो भी घट जाएगा क्योंकि यूट्यूब इस पर जो है निगरानी रखने वाला है। तो मेरे दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अच्छे से काम कीजिए और टेक्नो गुरुदेव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाकर मैं देता रहूं। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।